हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करूंगा मामा मस्तिंद्र मूवी बारे में। देखो, इस मूवी का 2 दिन पहले हिंदी प्रीमियर किया गया था, तो मैंने फिल्म को 2 दिन से नहीं देखा। रात को दोस्तों मैंने फिल्म को देखा। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था फिल्म के साथ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या फिल्म की मेन कहानी, क्या हमें फिल्म देखनी चाहिए भी नहीं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो मेरा पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। लेट डोल में देखने मिलेंगे सुधीर बाबू सर। देखो, मैंने इनकी ना जितनी भी अभी तक मूवी देखी है ना, जितनी भी रिसेंट टाइम इनकी जितनी हिंदी मूवीज आई हैं, चाहे इनकी तेलुगु मूवी थी, सब की सब मुझे बेस्ट लगी। यानी मैं एक फिल्म के साथ में ना ये नहीं बोल सकता यह फिल्म की स्टोरी वीक थी, कहानी पसंद नहीं आई, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार फिल्म है, हर चीज़ मुझे उनकी फिल्म पसंद है। और वैसे ही दोस्तों करिश्मा उन्होंने यहाँ पे कर दिखाया, बल्कि उन मूवीज से ज़्यादा बेस्ट मुझे ये फिल्म लगी। कहानी बड़ी यूनिक टाइप की है, रिवेंज स्टोरी है, पैसों की कहानी है, पूरा मजा ला देती है भाई, मजा आ गया फिल्म देखकर। कहानी है परशुराम की, जो मतलब जेल में सजा काट रहा है, मतलब उसकी माँ की मौत हो गई थी, तो जिम्मेदार वो पिता को मानता है, तो वो उनको मार देता है, उस फैमिली को जो भी स्टेप वगैरह आई वो कहती ठीक है तूने मेरी माँ को मारा, तो अपने पिता को मार देता है। बाद में उसको चला जाता है जेल। जब वो जेल से बाहर आता है तब उसे पता चलता है उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, कि उसकी माँ की प्रॉपर्टी थी जो कब्जा कर लिया है उसके अंकल ने, यानी मामा उनको बोलते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब वो प्रॉपर्टी वापस कैसे लेगा? साथ में उसे ये पता चलता है कि भाई उसके 2 हमशक्ल और हैं, मतलब वो यंग एज के 2 हमशक्ल हैं। अब वो उनसे क्या कनेक्शन है और वो उनसे क्या कुछ एडजस्टमेंट कर पाएगा, उनकी बाउंडिंग क्या होगी तीनों की, वो हमें इस फिल्म में दिखाया गया। सच में यार बड़ी अलग टाइप की स्टोरी थी और मतलब बड़ी यूनिक थी, और देखने में यार बड़ा मुझे फिल्म का मजा आया हर चीज़। और खासकर सुधीर बाबू यार इस फिल्म की जान है। मैं ये नहीं कहूँगा इसके तरह कोई और एक्टर होता ये फिल्म नहीं चल पाती, ऐसे लग रहा था जो उनके मेकर थे ना उनको पता था कि भाई सुधीर बाबू एक ऐसा एक्टर है जो ये 3-3 रोल एक साथ निभा सकता है। इतना दोस्तों ने सुंदर यहाँ काम को दिखाया भाई, हर चीज़, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, इसकी हिंदी डबिंग, इसके एक्शन सीन, मतलब कोई भी कहानी, इमोशन सीन तक भी यार दोस्तों इस फिल्म की जान है। साथ में जो साइड रोल प्ले किया है एक और आर्टिस्ट ने, नाम नहीं पता, लेकिन भाई तबाही मचा दी यार। इतना दोस्तों ने सुंदर काम किया इस फिल्म के अंदर, तो भाई मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके जो मेरा रिव्यू बनता है वो मैं आपको बता दिया। काश फिल्म को मैं 2 दिन पहले देखता, समय नहीं बचे तो समय फिल्म नहीं देख सका। अगर इतना पता था ना ये फिल्म इतनी ज़्यादा सुपर है तो भाई मैं उस टाइम फिल्म को जरूर देखता। इसके लिए छोटा सा रिव्यू था जो मैं चलो बताया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए हो भाई मूवी ढूंढते हुए तो चैनल को सपोर्ट कर देना, आपको मेरे तरफ ऐसे ही कंटेंट देखने मिलते रहेंगे। तो भाई प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी का रिव्यू लेकर।